को लेकर के हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों की मांग रही है शुरुआत से, इसी विषय पर आज हम लोग करते जा रहे हैं को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय विद्या दल के सभी लोगों ने संघर्ष किया और बिहार विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि दो बार सर्वसम्मति से सभी दल पूरे भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा से प्रस्ताव दो बार जो है केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है, एक बार नहीं बल्कि दो बार। पिछले मानसून सत्र में आप सब लोगों ने देखा होगा बिना भेदभाव के, बिना मतभेद के हम लोगों की मांग थी कि भाई जब दो बार बिहार विधानसभा से पारित हो चुका है जातिगत जनगणना को लेकर के, भले ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी बिहार के जितने भी दल विधानसभा में जिन लोगों ने पारित किया एक कमेटी बना करके प्रधानमंत्री जी से मिलने हम लोग चले और जातिगत जनगणना की मांग जो रही है उसको जो है पजामा हम लोग पहनाने का काम हम लोग। इसके बाद मानसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ चाहे लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस पार्टी आरजेडी हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री से जाकर के मिले और माननीय मुख्यमंत्री महाजन ने यह आश्वासन दिया कि आपकी मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है एक हफ्ता से ज्यादा हो चुका है लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। हमारी दूसरी ये भी मांग थी कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराई उसी तर्ज पे बिहार सरकार भी ऐलान करे कि वो जातिगत जनगणना जो है वो कराने का काम। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार में सबसे ज्यादा 40 में से 39 सीटें जो है वो एनडीए को देने का काम किया, यानी लगभग सारी सीटें जिस राज्य ने एनडीए सरकार को देने का काम किया उस राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रही है नीतीश जी समझे। लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग सब लोग जाए आपको विलंब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है पार्लियामेंट में भी एक सवाल पूछा गया जहां केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जातिगत जनगणना को लेकर ये सिर्फ